हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज सुबह से आप लोग लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि मैम एक खबर आई है, ऑनलाइन होगी डीएलएड प्रशिक्षुओं की परीक्षा। दोस्तों, आप लोगों ने सुबह से इस पर बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है सुबह से आप लोगों की कि मैम इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या सच में हमारी जो डीएलएड की परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन होंगी। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि आप लोग का एग्जाम मार्च में होना था, लेकिन मार्च में नहीं हो पाया कोरोना महामारी की वजह से। दोस्तों, अभी भी कोरोना का प्रकोप कम नहीं है, आप सभी लोग को पता है। देश में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही जा रही है कोरोना मरीजों की। तो इस तरीके से दोस्तों, अभी तो इस तरह की कोई स्थिति ही नहीं है कि आप लोग की परीक्षा हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक खबर आई जिसको देख करके आप बहुत परेशान हो गए। तो दोस्तों, इस खबर में कितनी सच्चाई है और ये खबर कहाँ से आई है, इसके विषय में हम विस्तार से बताएंगे और इस खबर की कितनी सच्चाई है यह भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा और सभी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और जहां कहीं भी फिर भी आपको समस्या रहेगी तो आप लोग मुझे बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो लिखा है, ऑनलाइन होंगी डीएलएड प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं। लॉकडाउन के दौरान डीएलएड प्रशिक्षुओं की परीक्षा समय से कराने के लक्ष्य से डाइट ने इसे ऑनलाइन कराने का फैसला लेते हुए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 27 से 30 अप्रैल के बीच होंगी। इस फैसले से गोरखपुर डाइट में अध्ययनरत 400 डीएलएड प्रशिक्षुओं को फायदा होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक खबर मैं और आपको दिखाती हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर तो आपने देख लिया कि किस तरीके से लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जो है वो परीक्षाएं होंगी आप लोगों की और वो 27 से 30 अप्रैल के बीच होंगी। इसे देख करके बहुत सारे प्रशिक्षु आज सुबह से परेशान थे, लगातार कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ रहे थे कि मैम क्या ये खबर सच है कि और हम लोगों की परीक्षाएं 27 से 30 तक ऑनलाइन हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों को 27 से 30 तक आप लोग के ऑनलाइन एग्जाम कैसे हो सकते हैं, इसके विषय में कोई जानकारी आपको पहले से दी गई है, और कितने लोगों के पास घर में लैपटॉप कंप्यूटर मौजूद है और किस तरीके से आप लोगों की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जा सकती हैं। पूरे प्रदेश के प्रशिक्षुओं की परीक्षा एक साथ कराई जाती है, आप सभी को पता है। तो पूरे प्रदेश में सभी जिलों में हालात जब तक नॉर्मल नहीं हो जाएंगे, सिचुएशन जब तक नॉर्मल नहीं हो जाएगी, तब तक कैसे आप लोग की परीक्षा हो सकती है। आप लोग किसी भी न्यूज आर्टिकल को देख के बहुत परेशान मत हुआ करिए, यहाँ पर ये न्यूज सही से छपी नहीं है, यानी कि प्रिंटिंग में यहाँ पर गलती हो गई है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सही से वही खबर लिखी हुई है, 27 से होंगे डीएलएड के ऑनलाइन यूनिट टेस्ट। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लॉकडाउन को देखते हुए सभी विद्यालयों की आंतरिक परीक्षाओं को टालने का क्रम जारी था, लेकिन डीएलएड प्रशिक्षुओं की प्रत्येक 3 माह में होने वाले यूनिट टेस्ट को ऑनलाइन कराने का फैसला किया गया है। राइट प्राचार्य का प्रभार देख रहे डीआईओएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने कहा कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को 3 यूनिट टेस्ट देना होता है। कोरोना संकट काल में यूनिट टेस्ट बाधित ना हो, इसके लिए डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं से बात करके 27 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन यूनिट टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि आप लोग की जो परीक्षाएं हैं यूनिट टेस्ट की, वो यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। आप लोग का सेमेस्टर 6 माह का होता है, 6 माह के सेमेस्टर में 3 यूनिट टेस्ट होते हैं। यूनिट टेस्ट किस लिए होते हैं, उन यूनिट टेस्ट में जिन भी बच्चों के मार्क्स अच्छे होते हैं उन्हें आंतरिक मूल्यांकन जब होता है, जब आप लोग के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उनमें उन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उन्हीं मार्क्स को देख करके जो तीनों यूनिट में सबसे अच्छे मार्क्स लाए होते हैं जो बच्चे। तो यहाँ पर जो यूनिट टेस्ट होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में वाकई अच्छे हैं, उन लोगों को इससे फायदा होता है। जो 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 भी टीचर पढ़ाते हैं आप लोग को डीएलएड में, जो भी प्रशिक्षक हैं आप लोगों के, तो वही यहाँ पर उसी टेस्ट की बात हो रही है, आप लोग की यूनिट टेस्ट की, ना कि आप लोग के एग्जाम की। तो बहुत सारे जो अखबार है उनमें अलग अलग तरीके का खबर निकला है। यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा ऑनलाइन होगी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में अध्ययनरत 400 प्रशिक्षु इस बार ऑनलाइन परीक्षा देंगे। यही सब देख करके आप लोग बिल्कुल डर गए थे, यहाँ पर भी वही चीज लिखी गई है। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए, लॉकडाउन में भी उनका सत्र नियमित रहा, इसके लिए यह तैयारी डायट ने की है। परीक्षा 27 से 30 अप्रैल के बीच होगी। कोरोना के चलते इस बार के यूनिट टेस्ट के प्रभावित होने की नौबत आ गई थी। डायट प्राचार्य ने इसे गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ प्रवक्ताओं से ऑनलाइन परीक्षा कराने के संबंध में बात कर अंतिम निर्णय लिया। संबंधित प्रशिक्षुओं को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर मॉडल पेपर का लिंक उपलब्ध करा दिया गया। दोस्तों, इस तरीके से आप देखिए,
अगर आप लोग किसी व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हैं तो आप लोगों को मॉडल पेपर मिल गया होगा, और अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहां पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको लगातार सभी वीडियो, सभी विषयों के नोट्स, आपको सभी सभी चीजें वहां पर उपलब्ध मिलेंगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जाकर के हमारे चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट को सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगी यहाँ पर दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो आप लोगों की परीक्षा है और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस तो हम लोग के द्वारा चलाई जा रही है टारगेट यूपीटेट सीटेट पर। आप लोग के चाहे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हो, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हो, दोनों की कक्षाएं हमारे चैनल पर चल रही हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप लोगों को सही से हर एक विषय को किस तरीके से क्रम वाइज हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। और हर एक चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में हमने सिखाया है, समझाया है, इतनी आसान भाषा में पूरे YouTube पर आप ढूंढोगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप हमारे चैनल से पढ़ लोगे, आप हर एक वीडियो को, आप लगातार उस वीडियो से लगातार आप कोई वीडियो मिस ही नहीं करना चाहोगे। इस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में हमने हर एक विषय को पढ़ाया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको नहीं पता था कि हमारे चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो प्लीज आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। और जो महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि आप लोगों की परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, तो आप लोग परेशान ना होइए। और आप लोगों का एक बहुत अधिक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम क्या सत्र आगे बढ़ेगा, तो दोस्तों अब ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों का सत्र आगे बढ़ेगा। आप लोग जैसे ही डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, उसके बाद आप लोगों के पास मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का टाइम रहेगा, और उस 1 से 1.5 महीने में भी आप लोगों की टीचिंग लग जाएगी, किसी ना किसी स्कूल में आप पढ़ाने चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास कॉलेज में आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपके कॉलेज में आप पूरी तरीके से आप ऑनलाइन शिक्षा पर ही निर्भर हैं, आपको पूरी सारी क्लासेज आपको ऑनलाइन ही मिल रही हैं, तो आपको किसी प्रकार से कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। आपको टारगेट यूपीटेट सीटेट चैनल पर आपको सभी वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए, और आप हमारी सभी वीडियोस को देखें और कोई भी वीडियो आपकी आपसे मिस ना हो, और लगातार आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहे दोस्तों। चाहे आप लोग के स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, आप लोगों के स्टडी मटेरियल लगातार हम लोग लेकर के आप लोग के लिए आ रहे हैं आपके चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट को, तो लगातार आप लोगों को हर एक अपडेट हम अपने चैनल पर देते हैं। आप लोग कोई भी जानकारी बच नहीं पाती है, लगातार सबसे पहले अपने चैनल पर हम आपके लिए लेकर सभी जानकारियों को आते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, और जहां कहीं भी आपको कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो ये संशय था वो दूर हो गया होगा, और आप लोग का कंफ्यूजन, अब अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का सभी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे जितने भी भाई बहन है डीएलएड के सभी के पास इस वीडियो को भेजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार सभी खबरों से अपडेट रहे, सभी न्यूज से अपडेट रहे, इसके अलावा सभी वीडियोस को भी लगातार देखते रहे दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।